वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको सिखा रहे हैं एक यमी से पराठे की रेसिपी, जो आप कभी भी इवनिंग डिनर में या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए और खाइए। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1.5 कप आटा। आटे में हम डालेंगे ये नमक स्वाद के अनुसार। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटे को लगाएंगे। मैं फिर से आपको कहती हूँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। पराठे लगाने का आटा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसमें हम मोइन भी डाल सकते हैं। मैं इसमें मोइन नहीं डाल रही हूँ। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर ये आटा ऐसे लगा लेंगे। हमने आटे को ऐसे इकट्ठा कर लिया है, चारों तरफ से ऐसे इसको छुड़ा लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको आटा इसमें नॉनस्टिक में लगाना है तो आपका ये चिकना रह जाएगा और कहीं भी नहीं लगेगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से मुक्की लगा के, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के सॉफ्ट होने तक इसको गूंथेंगे। तो ये आटा जो है हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको रखेंगे इसके अंदर और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। तो चेक कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल और ये जो हमारा आटा है ये बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छे से गूंथ कर तैयार है। तो आइए इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। अब हम इसकी तैयार करते हैं फिलिंग, और ये है भुजिया पनीर पराठा। तो ये हमने ले लिया है एक बाउल, इसके अंदर डाल रहे हैं हम थोड़ा सा पनीर जो हमने ऑलरेडी ग्रेट करके रखा है। ये हमने डाला है इसमें पनीर। अब डालेंगे हम इसके अंदर प्याज और एक कटी हरी मिर्च। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया है और हरी मिर्च है। ये डालेंगे हम भुजिया और इसके डालेंगे अंदर हम थोड़ा सा कटा धनिया, और ये हमने लिया है नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च है और ये चाट मसाला है। वैसे भुजिया में है तो आप उसके हिसाब से इसको मिक्स करके डालेंगे, उसके हिसाब से आप कम ही लीजिएगा शुरू में और फिर टेस्ट करके देख लीजिए। इसको करते हैं हम मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये यमी सी लगने वाली फीलिंग जो है हम बनाकर करते हैं तैयार, और आप इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। ये मैंने थोड़ा सा पनीर और ऐड कर लिया है और इसको सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये देखिए ये अच्छे से ऐसे बाइंड हो जाना चाहिए। तो ये अच्छे से बाइंड हो गया है, ये तैयार है, और इसी समय हम टेस्ट कर लेंगे कि नमक मिर्च बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो आइए बनाते हैं इसके पराठे। ये हमने आटे की इसमें से लोई तोड़ ली है, इसको अब हम ऐसे गोल करेंगे। सूखे आटे में एक बार डस्ट करेंगे और इसको तैयार करेंगे। ये देखिए आटा अच्छा लगा है तो कितना अच्छे से ये बिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे ये स्टफिंग। जितनी भी आप स्टफिंग डालना चाहें, अच्छे स्टफिंग वाले खाते हैं तो अच्छे स्टफिंग डालें। और यहाँ चारों तरफ से हम करेंगे इसको सील, ऐसे चारों तरफ से इसको पैक करते हुए करेंगे सील। फिर से सूखे आटे में डस्ट करेंगे, इसको हल्के हाथ से ऐसे बढ़ाएंगे। और बेलन की सहायता से इसको
बेलेंगे। बिल्कुल भी फिलिंग नहीं निकलेगी, इतने अच्छे से ये पराठे बनेंगे। देखिए आप पीछे दिखना शुरू हो गई है फिलिंग, तो हमने बहुत अच्छी फिलिंग भरी है। कितना अच्छा सा पराठा बना है। जब तक हमारा वो पराठा सिकता है एक तरफ से, तब तक हम ये दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटा रखकर इसको इसी तरीके से इसके अंदर भी ये फिलिंग भरेंगे। और ये थोड़ी देर में ही ना जो नमकीन है, जो भुजिया है, वो हल्की सी सौगी हो जाती है और इस बाइंडिंग जो है इसकी अच्छे से हो जाती है परांठे की। तो आपका जो पनीर में अगर हल्का सा मॉइस्चर है वो ये सारा सोख लेती है और बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसे हम पैक करते हैं और तब तक हम अपना पराठा चेक करते हैं। ये देखिए इस तरफ से हल्का सिक गया है, दूसरी तरफ से भी हम इसको सिकने देते हैं। सूखा आटा लगाने के बाद इसको भी हम ऐसे बढ़ाएंगे चारों तरफ से और इसको बेलेंगे हल्के हाथ से। यकीन मानिए बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से हम बढ़ाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है बनाने में, जरूर बनाइएगा और झटपट बन जाते हैं। ये देखिए हमारा ये पराठा दोनों तरफ से सिकना शुरू हो गया है बहुत अच्छे से। और ये अब हम लगाएंगे इसको ऊपर से हल्का सा घी। मैं ये पराठे घी में सेकती हूँ। दोनों तरफ से हम इसको घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए पूरे किनारे में अच्छे से घी लगा लीजिए। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल लगा लें। ये देखिए और थोड़ा मीडियम फ्लेम पर हम इसको चारों तरफ से सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया पराठे तैयार होंगे। ये देखिए अच्छे से फूल रहा है पराठा और कुछ भी नहीं है, जल्दी से आपको बनाना है। आलू बॉईल करने में आपको टाइम लगता है, झटपट से भुजिया और पनीर निकालिए फ्रिज में से और बनाइए ये यमी से लगने वाले पराठे। चारों तरफ से हमारा ये अच्छे से सिक जाए, उसके बाद हम इसकी करते हैं प्लेटिंग और इसको अब निकाल लेते हैं। ये देखिए पास से पराठा कितना यमी और सुंदर लग रहा है। दूसरा पराठा सेकते हैं। ये डाल दिया हमने दूसरा पराठा और इसको भी दोनों तरफ से सेकेंगे। यानी आपको टेस्ट करके देख लेना है और आप इसकी बाइंडिंग देखेंगे कि बहुत अच्छे से हो गई है। और बस कुछ भी नहीं है कि आटा बहुत पहले से लगा के देखेंगे। इस बीच में आपको दिखाऊं, ये देखिए जब तक हमारा पराठा सिक रहा है, ये देखिए कितनी बढ़िया ये फीलिंग है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप ट्राई करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि रेसिपी वास्तव में अच्छी है या नहीं। देखकर केवल रेसिपी को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते, जब तक आप खाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक इसका पता नहीं चलेगा। तो ये हमने देखिए इधर से सिक गया है। अब हम लगाएंगे इसमें घी। आप ऑयल, बटर, घी जिसमें सेकना चाहें सेक सकते हैं, कम ज्यादा भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कुछ लोग क्रिस्पी पराठे खाते हैं, कुछ सॉफ्ट खाते हैं, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने आपको फिलिंग और आटा लगाना बता दिया है, आप इसी वेडनेसडे में ट्राई कीजिए। ट्यूसडे में मैं ये रेसिपी डाल रही हूँ और सबके घरों में भुजिया होती है, सबके घर में पनीर होता है। नहीं होता तो तुरंत निकाल लीजिए दूध से और बनाइए ये यमी से लगने वाले पराठे। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए बहुत ज्यादा घी मैंने यूज नहीं किया है, बहुत कम घी के साथ बना रही हूँ। ये देखिए परफेक्ट, जरा सा ज्यादा सिक जाए तो आप कहने लगते हैं कि जल गया, जरा सा कम सिका होता है तो आप कहेंगे कि कच्चा रह गया। तो चॉइस इज योर्स, आप जितना उसको क्रिस्पी बनाना चाहें, जितना कम सेकना चाहें, उस तरीके से आप कर सकते हैं। कभी कभी कैमरे से फोटोज में भी कलर में डिफरेंस आ जाता है। इधर से सिक गया है, इधर से भी हम
किनारे प्रेस करते हुए लगातार इसको सेकेंगे। ये परफेक्ट सिक्योर तैयार है, देखिए कितना बढ़िया सिका है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारे दो पराठे बढ़िया से बनकर तैयार हैं। बटर से सर्व कीजिए, दही से सर्व कीजिए। तो हमने इसको सर्व किया है अचार के साथ, ऊपर से रखेंगे बटर। और ये देखिए कितना यमी है ये, और इसमें जो बीकानेरी सेव है वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो आप, आशा करती हूँ कि आप ज़रूर ये पराठे ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके पराठे कैसे बने। थैंक यू। Thank you.